अब भाई वक्त आ चुका है कि ऑडियंस आई हुई है, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। एक एक बंदा, एक एक 100 रुपए का बंदा है, इससे मैं बात करूंगा। पहला सवाल किसके पास? माइक करीब रख लेना दोस्त, खड़े हो जाओ। माइक करीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? उस्मान अली। उस्मान माइक और करीब। क्या करते हो उस्मान? स्टडी करता हूँ। क्या? FSC प्री मेडिकल कर और बी कैटेगरी कर रहा हूँ सर। वेल, बी कैटेगरी? जी। ये कौन सी कैटेगरी? बी फार्मेसी। अच्छा, बी फार्मेसी। कोई सवाल लाए? जी मेरा सवाल मरियम रफी से है। उनकी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? नहीं देख रहा हूं। इनमें से कौन है मरियम रफी? मरियम रफी वो सम। पूछो ना। मेरा सवाल ये है कि एक एक्टर के अंदर ऐसी कौन सी तीन चीजें नहीं होनी चाहिए? एक एक्टर में कौन सी तीन चीजें नहीं होनी चाहिए ये, ताकि वो एक्टिंग में सरवाइव कर सके? एक साबिश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एक्टर में ताबिश होगा बुरा लगेगा। आपके आवर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आपका काम बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो आई फील कि फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं कर सकते मैं 10 फ्लेक्सिबिलिटी से आगे तीन चीजें पूछी है, फ्लेक्सिबिलिटी से तो आगे आओ। और क्या? टैलेंट होना चाहिए ऑफ कोर्स, और क्या होना चाहिए? वो कह रहा था क्या नहीं होना चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए कि वो सवाल समझे। आज ना आप थोड़ी भाई बताओ ना, गंदा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, इंपेशेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं फिर भी वो एक्टर्स हैं। राबी आप बताओ, आप मेरे ख्याल से बेहतर बता सकते। एक तो पहले ये मेडिकल पढ़ रहा है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और एक्टर में क्या नहीं होना चाहिए? बहुत डीप सवाल था, बहुत डीप सवाल है। रोशनी डालनी चाहिए, हम्बल भी होना चाहिए। हम्बल भी क्या नहीं होना चाहिए? बदतमीज नहीं होना चाहिए। बदतमीज नहीं होना चाहिए। आपको जल्दी दी जवाब की, क्योंकि लाइफ मैं हूँ भी नहीं। मराहिल में हो? मराहिल नहीं है ही नहीं। कौन सा मराहिल? कोई बन जाए? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। पहली बात तो ये मैं अपनी मर्जी से एक्टर नहीं हूँ। ऐसे सवाल पूछे क्यों आपने? सही बात झड़ाई फिर नहीं आओ, फिर नहीं आओ। कोई नहीं, बैठ जाओ। तुम्हें समझ में आ गया ना क्या नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अगला सवाल। मेरे भाई आप ये सवाल आसान भी पूछ सकते थे, क्या तीन चीजें होनी चाहिए? भाई इनकी मर्जी से पूछा करो अगली बार। अगले सवाल किसके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? फजल खान। फजल भाई क्या करती हो तुम? आई एम स्टूडेंट ऑफ ICS। ICS पढ़ लो, कोई सवाल लाओ। मेरा क्वेश्चन यासर भाई से है। पूछो। आपने लाहौर के साथ भी खेला और पेशावर के साथ भी, किस टीम के साथ खेलने में आपको ज्यादा मजा आया? किसे मजा ज्यादा आया यासर भाई? लाहौर कलन से मैं 4 साल खेला हूँ और मैंने बड़ा एंजॉय किया 4 साल ESL में। और जलमी से तो ये था कि जलमी से मैं सर 5-6 मैच खेला था, वो बीच में आ गया था। शुरू में मैं मैचेस में नहीं था, उसके बाद में आया हुआ था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा लाहौर कलंदर वालों के साथ। वाह, क्यों लाहौर में मजा क्यों आता है लाहौर के साथ? लाहौर की मैनेजमेंट अच्छी है। लाहौर की मैनेजमेंट अच्छी है, अच्छी है। खेलने का मौका देते हैं और इनाम भी बहुत देते हैं। अप्रिशिएट बहुत को तो आईफोन दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। बहुत कभी कभी खेलने का मौका देते हैं, ये बेस्ट बात है। कभी कभी क्या मतलब? कभी कभी, क्योंकि लाहौर कलंदर हमेशा नहीं खेलता, कभी खेलता कभी नहीं खेलता, तो ये एक अच्छी बात है मुझे लगता है। जो बात आपने की है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कभी खेलते हैं कभी कभी, कभी खेलते हैं कभी अच्छा नहीं खेलते। दैट्स गुड। अगला सवाल, बैठ जाओ बेटा, हो गया तुम्हारा सवाल। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जबीउल्ला नाम है। जबी भाई इधर ही रखिए। क्या करते हैं जबीउल्ला भाई? FSC मेडिकल पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल है? जी मेरा सवाल यासिर भाई से है कि बाहर लेजेंड लीग हो रहे हैं तो मोहम्मद आमिर जो कि PSL खेलने के बावजूद भी बाहर लीग खेलने गए, तो आप क्यों नहीं गए? आपको कोई बाहर से ऑफर नहीं आई है या फिर आपने खुद ने रिजेक्ट किया? नहीं, ऑफर तो आई है लेकिन मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स होते हैं PCB के, वो ये लेजेंड लीग नहीं खेल सकते। हाँ ठीक, मुझे PCB NOC नहीं देते। और फिर ये शो कौन करेगा? तो हमारी रोजी रोटी पे क्यों लात मार रहे हैं चक्कर में? वो यहाँ कर रहे खामोशी, तुमको बताओ नहीं चीजें, बैठ जाओ। अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? असद मकबूल। असद मकबूल क्या करती हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ ICS का। किसके? ICS का। ICS। वो सवाल मेरा सवाल है मैम रबिया से, राबिया भट्ट से। पहले तो मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और सवाल ये मेरा कि अमूमन ये मॉडल्स जो वॉक करते हुए मॉडल्स
पाँव फिसल जाता है इनका। फर्ज किया कि ताबिश भाई उस कंडीशन में हो तो इन्हें क्या करना चाहिए? जल्दी उठना। मैं रैंप पे अगर फिसल जाऊं जल्दी क्रॉल करना चाहिए। अच्छा जल्दी उठना चाहिए। नहीं तो ताबिश तो वैसे ही फिसलते ही रहते हैं लेकिन फिसलने के बाद उठते बहुत अच्छा है। सो आई थिंक जिंदगी में मॉडल्स को नहीं सबको ही ऐसा करना चाहिए। अगर तो आप गिर गए तो आपको फौरन उठ जाना चाहिए। और जी रिंदो ने हील पहनी हो तो मैं हील पहनी हुई है। मैं लाइफ में कई बार अगली बार हील नहीं पहननी चाहिए। हां हां अगली बार। थैंक यू राबिया, बहुत अच्छा जवाब था। बैठ तुम लोग मुझे बेटा इस सिचुएशन में क्यों देखना चाहते हो इतना शौक? गिरे हुए हो लेटे हुए हो क्यों? अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई जी? एजाज अहमद। एजाज क्या करते हो? जी मैं एक जॉब करता हूँ। क्या? जी जी एफेक्ट। वेरी नाइस। कोई सवाल है? हाँ जी सर, एक बिल्कुल छोटा सा मसला है, सिर्फ वो आपको मैं बताता हूँ। सर मैं जानना ये चाहता हूँ जब बंदे को मोहब्बत होती है किसी से तो उसके जो 20 दिन होते हैं पहले वो क्या सीन होता है? 20 दिन शुरू के 20 दिन में क्या करना होता है? जी नहीं नहीं वो बंदे को कैसा फील होता है 20 दिन? बेटा बिल्कुल अंधा हो चुका होता है आदमी 20 दिन तो पागल होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आती। 20 दिन बाद जब वो बैंक अकाउंट चेक करता है तब उसको होश आता है ये क्या कर रहा हूँ मैं, फिर महसूस होने लगती है मोहब्बत। आप क्या बताना चाह रही हैं? बोतल उठा। वो पूछ रहा है मोहब्बत के प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड सिर्फ आपका 20 दिन का, हमारा छोटा होता है उसके बाद में दूसरी जगह आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो गया। मैं इतना खर्च करता हूँ। आई होप यू आर वॉचिंग द शो। भाई ऐसा है बेटा 20 दिन में तुम जो है ना ज्यादा वादे नहीं करना, ऐसा नहीं जो चीज करते नहीं हो वो करके नहीं दिखाना, वरना जिंदगी भर यही ऐसा है कि मुझे तकरीबन 2 माह हो गए लेकिन मैंने अभी तक एक रुपया खर्च नहीं किया। एक बार भी क्या नहीं किया? एक रुपया भी नहीं किया खर्च। बस मान भी नहीं गए। बड़ा अकेले ही हो रहे हैं 2 महीने तुम्हारे ये। नहीं 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 उसको पता है 2 महीने। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब बंदे को किसी से मोहब्बत होती है वो जो 20 दिन होते हैं सर पहले, उन 20 दिन में बंदे को फील क्या होता है? फील क्या होता है? पता नहीं क्या फील होता है मुझे क्या पता यार। अच्छा ही लगता हुआ यार। आपको आपको बैठ जाओ बैठ जाओ। 20 दिन तो इन्फैटुएशन के होते हैं। हाँ। सो उसके बाद ग्रेजुअली आपको असलियत सामने नजर आना शुरू हो जाती है। 20-25 दिन लोग जरा प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं। भाई हम लड़कों का हर 20 दिन में ये मामला है ना, हमें नहीं बताओ ये सब चीजें। बैठ जाओ मैम बेटा बैठ जाओ। थैंक यू। हमारा 20 दिन अलग होते हैं। आखिरी सवाल दो भाई। कौन है? वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मुस्तफा कबीर। मुस्तफा क्या करते हो तुम? स्टडी। स्टेट एजेंट हो? FSC मेडिकल। अच्छा पढ़ स्टडी कर। कोई सवाल लाए? जी पूछो। राबिया भट्ट से मेरा, अगर आपको किसी क्रिकेटर प्लेयर के साथ मूवी बनाने का मौका मिले तो किसके साथ बनाएंगे? किसके साथ बनाएंगे? क्रिकेटर के साथ आपको अगर मूवी बनाने का मौका मिले। यासिर भाई ने उधर देख लिया तो मैं आपको देख रहा। क्रिकेटर उसमें एज अ प्रोड्यूसर होगा? एक्टर होगा। एक्टर एक्टर हाँ। बहुत अच्छे भी हैं एक्टर्स हैं हमारे पास, अहमद शहजाद हैं। बहुत अच्छे एक्टर भी हैं क्रिकेटर भी। आई गेस इमरान खान। व्हाई नॉट? खान साहब कर सकते हैं लेकिन वो बड़ी उम्र के हो गए काफी हीरो बन के। बाकी एक्ट्रेस भी हाँ सही है सही है। अरे आप ये भी नहीं कह सकते कि बड़ी उम्र की हो गई, ये तो कह सकते हैं, अलाउड होगा। एक्टर क्यों नहीं बन सकते? वो एक्टिंग क्यों नहीं कर सकते? कैरेक्टर रोल कर सकते हैं मगर हीरो तो बुरे लगेंगे। वो रोमांटिक डायलॉग है। अच्छा तुम, मैं समझो मैं खान साहब हूं, मुझसे प्यार भरी बात नहीं कर सकते वो? करो ना। नहीं वो कर सकते मुझसे लेकिन ये नहीं होगा। हीरोइन को कैसे प्यार होगा यार खान? देखो मैं मोहब्बत के बारे में जो मैं जानता हूं उससे अच्छा मोहब्बत कोई नहीं जानता। आई एम प्रीटी श्योर अभी भी अगर खान साहब इस लाइन में आए ना आपसे ज्यादा हीरोइंस होंगी उनके पास। बैठ जाओ भाई। वेरी गुड। बहुत अच्छी ऑडियंस की अपनी तालियां हो जाए। बहुत प्यारा सवाल।